गाइस कहानी कुछ ऐसी थी कि मैं अपने नए एनिमेशन के ऊपर वर्क कर रहा था गाइस, और उसके लिए मुझे चाहिए था एक बार जैसी बिल्डिंग। और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं कैसे बनाता हूँ अपनी बिल्डिंग्स, कस्टम बिल्डिंग। और इससे दो फायदे होंगे गाइस कि पहला आपको बिल्डिंग बनाने का आर्ट के बारे में पता चल जाएगा, और दूसरा गाइस ये फ़ायदा होगा कि मुझे मिल जाएगा मेरा कॉन्टेंट। जी हाँ गाइस, यही है वो सीक्रेट रेसिपी जिसके द्वारा मैक्सिमम यूट्यूबर्स मुझे मिलाकर बनाते हैं अपना कॉन्टेंट। जी हाँ गाइस, इसी रेसिपी के थ्रू बहुत ही बड़ी कंपनी जिसका नाम है यूट्यूब कमाती है हमारे द्वारा दिया गया कॉन्टेंट। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्टेंट। तो गाइस सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपने बार का बेस कैसे बनाया गाइस। तो मैंने अपने बार का बेस ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने जो भी टॉप 9 ग्रे कलर्स के जो ब्लॉक्स थे, जैसे ग्रे वोल और स्टोन कोवर स्टोन, ये सब जो भी हैं गाइस, मोसी कोवर स्टोन वगैरह, इन सब से मैंने एक बेसिक सा रैंडम सा शेप बनाने की कोशिश की गाइस। ये पूरा शेप मैंने खुद ही चलते चलते बनाया गाइस। मतलब ये आराम से, मतलब आप जैसे जितना रैंडमली शेप बना सकते हैं उतना बनाइएगा। कभी भी अपनी बिल्ड को ना टोटल स्क्वायर नहीं रहेगा, वरना वो बिल्ड बहुत ही अजीब दिखेगी गाइस और बहुत ही बोरिंग टाइप की लगेगी गाइस। इसलिए मैंने इस बिल्ड को थोड़ा सा ऐसे बनाया, और हमेशा कभी भी एक ब्लॉक से कहीं पे भी कोई चीज़ ना खड़ा कीजिए गाइस, उसमें किसी और ब्लॉक से थोड़ा सा टच डालिएगा गाइस, वरना वो बिल्डिंग थोड़ी सी बोरिंग लगने लगेगी गाइस। तो इसी के तरीके से मैंने अपना पूरा बार बनाया था गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पूरा रैंडमली ब्लॉक से इधर उधर मारते गया, और इसी तरीके से मेरा बार बनाया गाइस। और ये बार मैं बनाया था एनिमेशन के लिए, तो मैं इसे सिर्फ अंदर से डिटेल देने वाला हूँ, बाहर का डिटेल मैं एकदम अच्छे खासे तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं कि एकदम पूरा मैंने बेस भर दिया है अलग अलग रैंडम ब्लॉक से। उसके बाद मैंने क्या किया है गाइस कि मैंने सोचा कि मैं वुड यूज़ करूँगा इसके बिल्ड के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने तीनों टाइप के वुड्स लिए, और मैंने देखा कि और ओक वुड ब्लॉक से मिलता जुलता कौन सा वो हो सकता है। तो मैंने तीन ब्लॉक्स लिए, और मैंने सोचा कि मैं ओक लॉग, स्ट्रिप्ड ओक लॉग और जो भी तीसरा है गाइस उसको मिला के अपना बनाऊं। और फिर मैं ढूंढने लगा कि क्या क्या मैं और ले सकता हूं ब्लॉक्स। तो मैंने पहले क्राफ्टिंग टेबल चुना, फिर मैंने सोचा नहीं, फिर मैंने और भी बहुत सारे ब्लॉक्स चुने थे लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। और फिर मैंने सोचा इन दोनों ब्लॉक से बनाऊं, और फिर मैंने यहाँ पे ओक लॉग रखा, और फिर मैंने देखने लगा कि क्या दोनों में कोई फ़र्क है। तो मैंने पहले एक रखा, दूसरा रखा, मुझे पता था दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, तो मैंने बाकी सारे ब्लॉक्स हटाए और मैंने सोचा कि मैं सिर्फ दो ब्लॉक से बनाऊंगा, ओक लॉग और स्ट्रिप ओक लॉग। मैंने यही दो ब्लॉक्स का यूज़ किया, और मैंने हर एक तीन ब्लॉक्स की दूरी पे ये ब्लॉक्स लगाना स्टार्ट कर दिया गाइस। और बाद में मैं इनमें स्ट्रिप ब्लॉक लगाने की लगाऊंगा गाइस, क्योंकि इसमें थोड़ा सा साथ साथ लगाने में थोड़ा धीरे हो रहा था काम, तो मैंने थोड़ा बाद में स्ट्रिप ब्लॉक लगाने की वो सोचा। और इस तरीके से मैंने हर एक जगह बनाया, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आखिर में इधर मैं बनाऊंगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस। मैंने यहाँ पे मिडल वाले ब्लॉक पे बनाने की सोची गाइस, ना कि एंड वाले ब्लॉक पे। तो यहाँ पे मैंने एक ओक लॉक खड़ा किया, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा बहुत बीच बीच में स्ट्रिप लगाने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत ही धीरे प्रोसेस था। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक एक्स लिया डायमंड का, और फिर मैंने धीरे धीरे इधर उधर मारना स्टार्ट कर दिया। इससे एक सतर तक आपको ये बनानी है कि आपको अपनी स्क्रीन थोड़ा हिलाते रहना है, इससे क्या होगा थोड़ा सा रैंडमली होगा क्योंकि आप मैक्सिमम ब्लॉक्स पे दबाने की सोचेंगे नहीं ज़्यादा, और उससे ज़्यादा चीज़ें स्ट्रिप में नहीं बदलेंगी। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने ओक लॉग ली, ओक वुड ली, और उनसे मिलते जुलते जितने भी ब्लॉक्स थे, जैसे कि ओक वुड स्लैब्स और बिर्च वुड और स्प्रूस वुड और जंगल वुड, इन सब से मैंने अपने दीवार बनाने की सोची। और इन चार टाइप के मैंने वुड प्लैंक्स यूज़ किए अपनी दीवार बनाने के लिए गाइस। तो मैंने और भी ब्लॉक्स ढूंढ रहा था कौन सा इसके साथ मिल रहा है, लेकिन फिर मैंने कोई अच्छा नहीं लगा गाइस ब्लॉक। मैंने सारे ब्लॉक्स देखे हैं गाइस एकदम एंड तक, लेकिन फिर मेरे को कोई अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा हाइव रखूँ, मैंने फिर कुछ समय सोचा भी, फिर मैंने सोचा नहीं। फिर मैंने क्या किया कि मैंने पूरी जो इन्वेंट्री है वो इन ब्लॉक से भर दी, और रैंडम ब्लॉक्स प्लेस करने का गाइस एक बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है कि अपना माउस का व्हील घुमाते रहिए पूरे टाइम, और फिर राइट क्लिक दबाइएगा गाइस, वरना आप रैंडम नहीं कर पाएंगे। तो मैं बस अपने माउस का व्हील घुमाते रह रहा हूँ और राइट क्लिक दबाते रह रहा हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं अंदर की तरफ में रखूँ कि ना रखूँ, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे तो अंदर का ही पार्ट अपने एनिमेशन में दिखाना है, बाहर का तो बिल्कुल नहीं दिखाना है। तो मैं बाहर से उतना डिटेल डालने भी नहीं वाला हूँ, इसलिए मैं इसको अंदर की तरफ में ही पूरा वो करने वाला हूँ। लेकिन इससे गाइस मैं यहाँ पे पूरा जो दीवार लगा रहा था, इससे गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई गाइस, वो ये है कि जो हमारे ओक स्ट्रिप ब्लॉक्स थे गाइस, ये ब्लेंड कुछ ज़्यादा ही कर गए गाइस आसपास की दीवारों के साथ। तो मुझे उसको सही करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ा। अभी अगर आप
सर्वाइवल में सर्वर वर्वर में बना रहे हैं इस घर को, तो थोड़ा घर बोल रहा हूँ बार को, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, आपको कुछ और सोचना होगा। लेकिन मेरे में गाइस ये आसान था, तो मैंने क्या किया कि मैंने बस अंदर की तरफ में ओ क्लॉक्स लगा दी गाइस, जैसे कि मैं आपको अभी कुछ समय में दिखाऊँगा पूरी दीवार पूरी करने के बाद। तो अभी मैं यहाँ पर दीवार पूरी कर रहा था और इस तरीके से मैं मतलब चारों तरीके की वुड यूज़ कर रहा था, और मैं हमेशा ध्यान रख रहा था कि कमी में मैं एक वुड को ज़्यादा यूज़ ना कर लूँ, वरना फिर वो लगेगा कि एक वुड को मेरे पास ज़्यादा ही तो मैंने ज़्यादा यूज़ कर लिया और दूसरी वुड थोड़ी कम यूज़ की, तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा ब्लेंड कर रहा था, तो मैंने ओक लॉक्स लिए दोनों टाइप के और उसके बाद मैंने फिर उनको यहीं पे ऐसे लगाने लग गया, वापस सेकंड लेयर लगाने लगा, तो इससे लगने लगा कि थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है गाइस। यहाँ पे मैंने सपोर्ट के लिए लगाना चाह रहा था कि दिखे कि ये पूरे हमारे चीज़ों को सपोर्ट दे के रखे हुए हैं गाइस, यही इन पिलर्स के द्वारा ही हमारा जो बिल्डिंग है ये खड़ी है, मतलब ये बार जो है खड़ा है। और मेरे को एक जगह यहाँ पे जो कोने का एक ओक लॉक अभी आने वाला है, ये देखिए ये वाला, यहाँ पे मैंने नहीं इसे लगाने का सोचा क्योंकि ये तो पहले से ही दिख रहा था और दोनों तरफ में ओक लॉक थोड़ा सही नहीं लगेगा, तो मैंने बस वहाँ नहीं लगाया, बाकी हर जगह पे मैंने लगा दिया है गाइस यहाँ पे ओक लॉक्स। जैसे कि आप में भी ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि आपका शेप मेरे शेप से थोड़ा सा अलग हो सकता है गाइस। उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने जो स्टेयर्स लिए हैं और उनसे रूफ़ बनाई है। अगर आपको नहीं पता है कि मैं रूफ़ कैसे बनाया हूँ, तो जो वीडियो का लिंक था वो मैंने आपको स्टार्टर हाउस का शायद पहले ही दे दिया होगा, और थोड़ा सा इसमें वो है गाइस, मैं स्टार्टर हाउस का वीडियो भी डाला नहीं हूँ, मैं बाद में डालने वाला हूँ गाइस उसका वीडियो, तो फिर उसके लिए आप थोड़ा सा हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, आपको कभी भी उसकी नोटिफिकेशन आ सकती है गाइस अगर आप बेल आइकन दबाए हैं तो जैसे ही आपको मिलेगा आपको पता चल जाएगा कि मैंने रूफ़ आखिर किस तरीके से बनाई है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि मैंने चारों तरीके की स्टेयर्स यूज़ की हैं और मैंने चारों तरीके की गाइस स्लैब्स भी यूज़ की हैं, और एक बहुत ही ख़तरनाक टेक्निक मैंने यूज़ किया गाइस, ये टेक्निक मैंने ही बनाई थी, मतलब मैंने बनाई नहीं थी गाइस, मैंने कहीं देखा था और उसके बाद से मैं उसे यूज़ करने लगा था, मुझे खुद नहीं पता मैंने कहाँ देखा था, लेकिन एक टेक्निक थी जो मैंने किसी के और यूट्यूबर्स को उसमें देखी थी और मैं उसी को हमेशा से यूज़ करने लगा था गाइस। और ये है रूफ़ बनाने का एक टेक्निक, और फिर मैंने पूरी रूफ़ इस तरीके से बना लिया गाइस, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है, मतलब बाहर से तो उतनी अच्छी नहीं दिख रही और मुझे बाहर से दिखानी भी नहीं है। और फिर मैंने यहाँ पे दरवाज़ा बनाने की सोचा और देख सकते हैं अंदर से थोड़ा कितना अच्छा लाइट आ रही है। फिर मैंने डोर लिया और मैंने को सबसे अच्छा जो डोर लगा वो है स्प्रूस, तो गाइस मैंने स्प्रूस का डोर यहाँ पे लगाया। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सोचा कि नेदर अपडेट है तो नेदर के थोड़े से ब्लॉक्स यूज़ किए जाएँ, तो मैंने सोल लैंटर्न्स और चेन ब्लॉक का यूज़ किया गाइस। मैंने हर एक जगह पर भी ये टंग रहा था उन जगहों पर मैंने सोल लैंटर्न्स के ब्लॉक्स लगाए गाइस इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने हर एक जगह पे ऐसे सोल लैंटर्न्स के ब्लॉक लगाए ताकि लाइट लेवल हो जाए, पर इससे गाइस एक प्रॉब्लम हो गई गाइस, वो है कि जो सोल लैंटर्न्स हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा लाइट लेवल नहीं देती गाइस, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा अंधेरा हो गया। तो इससे बचने के लिए मैंने एक तरीका तो अपनाया कि पहले शैंडलियर लगा दूँ, लेकिन उससे भी गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, तो फिर मैंने कुछ और करने की कोशिश की और वो मैं आपको अभी बाद में दिखाता हूँ थोड़े वीडियो के एंड में। फिर मैंने जल्दी से यहाँ पे सारा ये कंप्लीट किया गाइस, और बीच में पता नहीं क्यों मेरी स्क्रीन अटक गई थी और लेकिन अब सही हो गया। फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से चेन लगाई और उसके नीचे मैंने पहले तो शूम लाइट लगाने की सोची, फिर मैंने सोचा ग्लो स्टोन ही ज़्यादा सही है यहाँ पे। फिर एक वो था कि मैं आखिर में चेन ब्लॉक लगाया क्यों, तो मैंने जाके चेन ब्लॉक हटा दिया और बस इनको ऐसे ही टंगवा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओक फेंस, मतलब मैंने चारों तरीके के फेंस लिए और जहाँ पे भी गाइस यहाँ तीन, जैसे कि यहाँ पे है यहाँ पे एक फेंस लगा दिया, फिर इसके यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ एक है यहाँ पे एक फेंस लगा दिया, मतलब जहाँ पे भी कोई लैंटर्न अकेली या फिर दो लोगों लैंटर्न्स के बीच में है जैसे यहाँ पे, वहाँ पे मैंने एक फेंस गेट लगा दिया। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा रियलाइज़ किया कि मैंने सारे ओक लगाए हैं, तो मैं पीछे जाके थोड़ा सा बेर्च और जंगल वगैरह और स्प्रूस का मिक्सचर देने लगा गाइस ओक फेंसेस का, और फिर यहाँ पे मैंने हर जगह पे ओक फेंसेस लगाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमें बाहर जैसा लुक देना है गाइस, और ये ओक फेंसेस लगते हैं कि हमारी रूफ़ को ये संभाले हुए हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अब देख लूँ लाइट लेवल, तो आप देख सकते हैं कुछ कुछ जगहों पे यहाँ पे अभी लाइट लेवल जो है वो 6 हो चुका है गाइस, यानी मॉब्स स्पॉन हो सकते हैं। तो मैंने उससे बचने के लिए एक टेक्निक जो अपनाई है वो है कि जहाँ जहाँ पे भी मैंने ग्रे वूल यूज़ किया है वहाँ मैंने कारपेट यूज़ करूँ, लाइट ग्रे कारपेट और ग्लो स्टोन। तो मैंने जहाँ जहाँ पे भी ग्रे वूल थी वहाँ पे मैंने ग्लो स्टोन और उसके ऊपर कारपेट यूज़ किया है गाइस।
जैसे आप देख सकते हैं हर जगह जहाँ जहाँ पर भी ग्रेवल थी वहाँ वहाँ को मैंने हटा के वहाँ उसके ऊपर मैंने किया ये क्या बोलते हैं ग्लोस्टोन लगाया गाइस। और जहाँ जहाँ पे कभी कभी गलती से मेरे से ब्लॉक भी टूट जाते थे फिर मुझे उन्हें रिप्लेस करना पड़ता था, लेकिन कोई नहीं गाइस ऐसा ज़रूरी है। उससे हमारी जो लाइट लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई गाइस, और उसके बाद कहीं पे भी अंधेरा नहीं था तो उसके बाद बहुत सही हो गया। उसके बाद मैंने एक चीज़ सोची कि अब इसे बार बार बनाना स्टार्ट किया जाए, अंदर से थोड़ा बार बार लुक देना स्टार्ट किया जाए। मैंने सारा लाइट लेवल चेक कर लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बार बार लुक देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने स्लैब्स लिए जो अच्छे ओक वाले और स्लैब्स को हर जगह पे इस तरीके से लगाने लग गया। फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आई कि मैंने जो थोड़ा ये वाली लाइन थी ये थोड़ी सी ज़्यादा उधर ले ली थी, फिर मैंने क्या किया इसे सही करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, मैं थोड़ा पीछे से ये इधर मोड़ लिया। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है कि पीछे में वो बार में ड्रिंक देने वाले लोग पीछे रहेंगे। फिर मैंने उनके बोटल्स रखने के लिए यहाँ पे एक इस तरीके से वो बनाया है रखने का वो, और इस तरीके से मैंने लेड आउट किया कि यहाँ पे मैं कहाँ कहाँ पे चेयर्स डालूँगा। तो मैंने हर एक एक ब्लॉक छोड़ छोड़ के वहाँ पे चेयर्स डालने का सोचा गाइस, तो मैंने हर एक एक ब्लॉक छोड़ा। उसके बाद मैंने चेयर्स डालने के लिए मैंने सोचा कि मैं एक नॉर्मल पिस्टन चेयर्स डालूँ, तो मैंने हर एक जगह पे ऐसे रेडस्टोन टॉर्च इस तरीके से डाली, जैसे आप देख सकते हैं हर एक ब्लॉक तोड़ के उसके नीचे रेडस्टोन टॉर्च। और फिर मैंने एक पिस्टन लिया और हर जगह पे इस तरीके से लगा दिया गाइस। तो इससे क्या हुआ कि ये थोड़ा सा अच्छा खासा लुक देते हैं कि ये मतलब अच्छा खासा बार है, और हो गया गाइस इतने में मेरा पूरी बिल्ड कंप्लीट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले गेमिंग एपिसोड में।